नमस्कार दोस्तों, ऐसा कि आपको पता ही होगा कि हाल ही में उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट के खतौली विधानसभा सीट पर इलेक्शन होना है। आपको बता दें कि सीट पर उपचुनाव की सीट है, तो इस पर विधानसभा के इलेक्शन हो रहे हैं। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी, जो RLD के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, उसी के प्रत्याशी को मैदान में उतार दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इसके अलावा भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने भी बड़ा ऐलान करते हुए मीडिया में बोल दिया है कि हमारी पार्टी का प्रत्याशी तैयार है और जल्द ही हम उसका ऐलान करने वाले हैं कि कौन खतौली विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेगा। देखिए, चंद्रशेखर आज़ाद ने मीडिया से बात करते हुए क्या कुछ बयान दिया है खतौली विधानसभा की सीट को लेकर। खतौली विधानसभा के बारे में बताइए सर, चुनाव के दौरान क्या बीजेपी को हराने का लक्ष्य बना दिया आपने? देखिए, मैं समझता हूँ लोकतंत्र है और उपचुनाव इसलिए है कि लोग जो हैं आप पार्टिसिपेट करके आगे बढ़े। तो पार्टी के लोगों ने अपना प्रस्ताव भेजा उत्तर प्रदेश की टीम ने कि वो यहां विधानसभा चुनाव का उपचुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने प्रत्याशी भी तैयार कर लिए हैं। आज शाम में जो चुनाव समिति उसकी मीटिंग है, कल वो मेरे उस पर आएगी टेबल पे, कल हम फाइनलाइज करेंगे कि हम यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं नहीं लड़ रहे। उम्मीद है कि पार्टी के प्रस्ताव को माना जाएगा, बाकी आज की मीटिंग में फैसले होंगे। आमतौर पर मुसलमान ये कहते हैं कि उन्हें बीजेपी के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मैं समझता हूँ कि यहाँ के मुस्लिम समाज के लोगों को तय करना है कि लोकतंत्र हिस्सेदारी का नाम है कि वो किसी डर से किसी पार्टी को वोट ना करें, वो अपनी हिस्सेदारी के लिए वोट करें, क्योंकि लोकतंत्र में अगर उनकी भागीदारी होगी, उनकी हिस्सेदारी होगी, तभी तो अपने समाज के हितों के लिए कर पाएंगे। खतौली विधानसभा पर विधानसभाओं में लोकसभा में बोल के तभी तो कानून बनवा पाएंगे। जब अपनी समस्याएं नहीं बताने के लिए उनके लीडर ही नहीं होंगे विधानसभा लोकसभा में, तो उनकी समस्या का हल कैसे होगी? खतौली विधानसभा पर मुस्लिम और दलित संगठन के बारे में बताइए। जो आप बताइए क्या समीकरण है, मुस्लिम कितने हैं बताइए, आप तो पत्रकार साथी हैं, वरना फिर मैं बताऊंगा। आप बताइए। 1,65,000 के करीब दलित और मुस्लिम हैं। अगर वो संगठित होकर वोट कर दें तो उनका विधायक जो है वो सुबह 11 बजे बन जाएगा। हर खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें नैतिक टीवी को, साथ ही इस बेल आइकन घंटी को करें ऑल पर सिलेक्ट।